पिछले कल कुल्लू में मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला और पुरुष बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसी सिलसिले में वीरवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन दोनों घायलों और इनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कुल्लू और कुल्लू पुलिस से लेकर नेरचौक मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का इनको पूरा सहयोग मिल रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परिवारजनों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। उन्होंने समाज में इस प्रकार की घटनाओं की निंदा की है। पिछले कल कुल्लू में मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला और पुरुष बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसी सिलसिले में वीरवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन दोनों घायलों और इनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कुल्लू और कुल्लू पुलिस से लेकर नेरचौक मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का इनको पूरा सहयोग मिल रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परिवारजनों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। उन्होंने समाज में इस प्रकार की घटनाओं की निंदा की है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।